हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो स्टूडियो में बात करेंगे आरआरसी पटना की तरफ से एक अपडेट निकल के आई है। तो यहाँ पे क्या अपडेट निकल के आई है आरआरसी पटना की तरफ से, जैसे आप ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको लास्ट नीचे नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले जो आपके यहाँ पे रोल नंबर थे ब्रिंग, तो 49 स्टूडेंट के यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन के लिए कैटेगरी नंबर 1-2 थी, उसके लिए यहाँ पे आपके जो रीमेडिकल शेड्यूल किए गए थे और इनकी वेटिंग क्लियर की गई। तो आज जो नोटिस निकल के आए हैं आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ रोल नंबर 78 स्टूडेंट स्टैंड बाय केंद्रीय प्रोविजनल रिक्वायरमेंट फॉर द टेक्नीशियन। तो आपके टेक्नीशियन ईस्ट कोस्ट रेलवे को इनको डिविजनल कर दिया गया है। तो किस किस स्टूडेंट को यहाँ पे डिविजनल किया गया है, हम सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा नोटिस में देख सकते हो आरआरबी पटना जोन की तरफ से निकल के आया है। 70 स्टूडेंट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर की गई, जो वेटिंग के लिए इंतजार कर रहे थे इनको ईस्ट कोस्ट रेलवे भेज दिया जाएगा और इनके ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा इनका ये मेडिकल भी शेड्यूल किया जाएगा और मेडिकल भी वहीं इनका लिया जाएगा। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट कैंडिडेट शुड बी अंडरटेकिंग द टाइम टू टाइम बींग द फ्रेश मेडिकल, यहाँ सारी चीज़ें इसमें दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइल द एवरी कैंडिडेट हैज बीन टेकिंग द प्रिपेयरिंग द रोल नंबर 78, अगेन द डिमांड ऑफ द स्पेशल ईस्ट कोस्ट रेलवे को भेजा गया, आर एव रिवाइज टू, सारी चीज़ें इसमें ये दी गई है। आगे बात करें टोटल स्टूडेंट के यहाँ पर रोल नंबर दिए गए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी नंबर जो आपकी 31 है उसमें आपके 10 स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई ईस्ट कोस्ट रेलवे से। 34 कैटेगरी में बात करें तो इसमें आपको 15 स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई है। यहाँ पे कैटेगरी नंबर जो आपके डीजल मैकेनिक वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। आपकी जो कैटेगरी नंबर यहाँ पे 49 है उसमें एक स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई, तो आप अपने इसमें रोल नंबर मिला सकते हो। और आपकी कौन सी कैटेगरी थी और आपका इसमें सलेक्शन हुआ है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताएं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आपकी कौन जो कैटेगरी है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल TRD वाले, इसमें एक स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की। कैटेगरी नंबर आपकी 54 में जो आपके TRS वाली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई, इसमें 28 स्टूडेंट की यहाँ पे वेटिंग क्लियर की गई, तो आप इसमें अपना रोल नंबर यहाँ पे मिला लेंगे। आगे बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 126 की बात करें, इसमें एक स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई, तो आप इसमें अपना रोल नंबर देख सकते हो। 78 स्टूडेंट की इसमें वेटिंग क्लियर की गई। 134 कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके 9 स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई है। 136 कैटेगरी में 13 स्टूडेंट की वेटिंग क्लियर की गई है। टोटल मिला के 78 स्टूडेंट की इसमें वेटिंग क्लियर की गई है आरआरबी पटना जोन की तरफ से, जो आपके आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो ईस्ट आपके कोस्ट रेलवे आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यहाँ पे दी गई है। कैंडिडेट है आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट टू वेबसाइट टू मोर अपडेट, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई। 15 तारीख की डेट में ये नोटिस जारी किए गए, मतलब आज के दिन आपको 15 अगस्त के दिन ही आपको अच्छी खबर मिली, जो भी यहाँ पे इंतजार कर रहे थे आज़ादी के दिन ही आपको अच्छी खबर मिली। अब बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से और कितने यहाँ पे पैनल आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, बात करें ईस्ट कोस्ट रेलवे से और कितनी वेटिंग आ सकती है, तो यहाँ पे जो JEE की टोटल वेटिंग आनी थी वो लगभग इन्होंने क्लियर कर दी है, सॉरी टेक्नीशियन की तो लगभग क्लियर कर दी ईस्ट कोस्ट रेलवे से। अब बात करते हैं JEE की, आपका 154 वेटिंग और आनी बाकी है। तो JEE की आपको RRBJEE के लिए आपको ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से न्यू वेटिंग जरूर देखने को मिलेगी, जो आपके RRB पटना जोन से जारी की गई। तो पटना जोन से आपको JEE का नेक्स्ट पैनल जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, तो जैसे वो पैनल आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। टेक्नीशियन की तो लगभग यहाँ से क्लियर हो चुकी है और बाकी जोन की भी जल्द से जल्द आपको वेटिंग अलग अलग जोन से यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहे।